गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई. हबीबी वेलकम टू दुबई. सुबह अपन उठ गया था, इधर बैठ के थोड़ा काम किया, रूम का गंदा किया, और अभी निकलेगा अपन घूमने के लिए. कहाँ जा रहे हैं? रुको दो मिनट बताते हैं. जूते पहन लूँ नहीं तो भैया आ जाएंगे. भाई अपन हो गए पूरी तरीके से रेडी, नहा वहा के एकदम मस्त हो गए. ठीक है पानी का बॉटल लिया जाएगा, चलो बाहर ही ले लेंगे. पानी रूम में भी रहना चाहिए क्योंकि बाहर तो फिर भी पानी मिल सकता है, रूम में खत्म हो गया तब भी मिल सकता है. हाँ फोन ही तो करना है. हेलो पानी दे दो. एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो, एक तो ये नए फोन की एक्साइटमेंट ज्यादा है ना. चाबी उठाओ यार, चाबी उठाओ. हाँ भाई साहब तो भैया है नीचे. ठीक है आज अपन कहाँ जा रहे हैं वो हमें नहीं पता क्योंकि हमारा आइटनरी बनाया है भैया ने. भाई कैसा आवाज कर रहा था. और ये आगे जी अपनी रेड सैंड की गाड़ी. भैया दिक्कत हुआ मिलने में? में क्या हुआ वो? अच्छा पीछे चले गए थे. मैं रूम से भेजा ना आपको, इसीलिए मैं सोचा नीचे आ जाऊं. अच्छा ये आगे जी अपनी गाड़ी, आराम से बैठेंगे अब इसमें. और पता नहीं भैया से पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता ना. भैया बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं. हम कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी सर जी फ्यूचर म्यूजियम. आपका फ्यूचर म्यूजियम जा रहे हैं. भैया ये खिड़की खुला हुआ है. भाई यहाँ पे ना काले शीशे होते हैं गाड़ी में, क्या खतरनाक लगती है ना इतनी बड़ी गाड़ी. ये देखो सामने से एलसी आती हुई, लैंड क्रूजर. एलसी से जाएंगे हम क्या करने, डेजर्ट सफारी करने. बट वो आज नहीं जाएंगे, वो एक दो दिन में जाएंगे क्योंकि अपन तो एक दो दिन है ना यहाँ पे. चलो अभी फ्यूचर म्यूजियम जा रहे हैं. टाइमिंग भैया? टाइमिंग भी रहता है क्या? मैंने तो टिकट खोल के भी नहीं देखा. इशू डेट एंड टाइम, बुकिंग डेट एंड टाइम. और इतनी बड़ी खतरनाक बिल्डिंग ना. कल अपन इसी मेट्रो से गए थे बड़ दुबई. जाते वक्त अपने को लगा था 10 दिरहम, आते वक्त अपन टैक्सी में आए थे तो अपने को लगा था 75 दिरहम्स. 75 को मल्टीप्लाई कर लो 23 से. 75 ऐसे बहुत सस्ता लगता है जब देना पड़ता है ना तो पता चलता है. भाई 100 दिरहम का ना कल मैंने इस पे स्क्रीन गार्ड, यू नो मैंने फ़ोन लिया ना और इतने मिन्नतों से लिया ना, मैंने कहा यार कर दे चलो ठीक है. 100 दिरहम का स्क्रीन गार्ड और बैक कवर, मतलब पूरा लैमिनेशन कराया. 100 दिरहम होता है 2300 रुपीज, मतलब 23. ओह यार हमर दिखती हुई येलो रंग की दिख रही है. भाई रोड्स पे तो मज़ा आ जाता है भाई. यहाँ पे ना इतने चौड़े रोड्स, बट यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट. कल अपने टैक्सी वाले भैया ये बता रहे थे और फिर रात में जिनके साथ आया था वो भी बता रहे थे कि भाई हल्की सी गलती करोगे ना हट से चलान है. भाई ये सामने जी वैगन देखो, ये गजब कलर. भाई यहाँ पे तो अलग अलग कलर ना, और इतनी खतरनाक लग रही है ना सामने चलते हुए. आज तो मेरा मन कर रहा था कि यार मैं प्रॉपर सोऊं क्योंकि मैं सोया ही नहीं यार. कल आके भी एडिट करके और फिर मेरे लैपटॉप में एक इशू आ रहा है. अब क्या है ना मेरा दोनों फ़ोन चेंज हो गया, तो अब ना उसका लोकेशन दुबई का आ रहा है. लैपटॉप से जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ ना तो लैपटॉप कह रहा है पहले आईपैड जो कि इंडिया में रखा है उस पर जाके ओके करो, तब जाके हम आपको इसको यू नो ऑपरेट करने देंगे. क्योंकि वो सिक्योरिटी इशू, ये फ़ोन चेंज हुआ, लैपटॉप दुबई पे लॉगिन हो रहा है, तो वो सब एप्पल वैप्पल और गूगल में ना थोड़ा सा ये सब झाम धाम रहता है. तो अब मैं फ़ोन से ही अपडेट कर रहा हूँ वीडियो. पता नहीं कैसा ही आ रहा है यार, देखना पड़ेगा एक बार अपना ही वीडियो, एक बार खुद से देखना पड़ेगा. अरे रेंज रोवर आज शाम में हमारा क्रूज भी है ना भैया. ये वाला एरिया ना अपने उधर दिल्ली में एक एरिया नहीं है जहाँ पे सारे शोरूम्स हैं, मोती नगर, हाँ उस टाइप का एरिया है. ठीक है सारे शोरूम्स है भाई यहाँ, पोर्शे एग्जॉटिक कार्स, मतलब सारे यहाँ पे ना रोल्स रॉयस वगैरह खड़े हुए हैं. ज़बरदस्ती लग रहा है उस साइड, सारे शोरूम्स हैं. और इस साइड तो कुछ नहीं है, इस साइड घर है और बहुत बड़े रोड हैं. इतना इतने बड़े रोड तो हमारे हाईवे पे भी नहीं होते, मतलब वैसे ही. ये सारे ऐसे मेट्रो स्टेशंस हैं, तो आपको अलग अलग मेट्रो स्टेशंस मेन रोड पे कनेक्टिंग हर जगह दिख जाएगा. ये कौन सा है? ये फिनेंशियल सेंटर. ठीक है तो ये मेट्रो स्टेशन से आप आराम से कार्ड वार्ड लेके घूमो इसी लाइन पे. तो अभी फिलहाल अपन जा रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं भैया? फ्यूचर म्यूजियम. ये देखो अभी तो बाहर से दिखाता हूँ, ये है जी फ्यूचर म्यूजियम. ये
तो यहाँ पे जाएंगे अपन, अब सीधे अंदर जाएंगे, बाद में आपको वीडियो बाद में दिखाएंगे, हाँ मतलब अंदर जाके बनाएंगे ना, कितना सही लग रहा है। तो जी ये है फ्यूचर म्यूजियम, अभी अपन इसके अंदर जाएंगे, इसकी टिकट है। तो इसकी टिकट अपने को मिल नहीं रही थी, तो वो भाई ने दिलवा दी अपने को। मैंने कहा चलो अच्छा है, अपना टाइम पता नहीं कितने का था यार, लेकिन अभी तो 12:30 बज गए, तो अंदर चलते टिकट दिखाते, आई थिंक वो स्कैन करने पे हो जाएगा। तो जी ये अपना टिकट आ गया है, और ये यहाँ पे इसको स्कैन करना है, फिर अपने को बैंड मिलेगा। और जो नेक्स्ट अवेलेबल टिकट है ना, वो 3rd December का है, मतलब सीरियसली इतनी भीड़ है कि 3rd December को जाके फिर नेक्स्ट टिकट है, ये यहाँ पे बताया भैया ने। ओके ठीक है, अभी अपन स्कैन कर लेते हैं। ये देखो ये अपना इधर से आ जाएगा शायद, और यहाँ पे अगर पे करना है तो डायरेक्ट देखो कैसे पे करने के लिए, बैंड क्यों नहीं आया, आ जा भाई, आ गया, आ रहा है कुछ तो, आ रहा है भाई। अब इसका ये टिकट कितने का है ना, मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज़ ना भैया ने ही करा के दिया था, क्योंकि इसका टिकट अवेलेबल नहीं था, लकीली कोई स्लॉट खाली हुआ था तो मेरा टिकट उसमें एडजस्ट कर दिया था, अदरवाइज़ ये चीज़ तो नहीं देख पाते अपन। बाकी यहाँ भीड़ तो काफ़ी है यार, और जो अपना यहाँ से पिकअप रहेगा वो 3 बजे के आसपास रहेगा, तो फिलहाल 12:45 हुए हैं, 3 बजे अपने को बाहर निकलना है, भैया वेट करेंगे क्योंकि शायद उसके बाद हम कहीं और भी जा रहे हैं, ये शायद कोई ऑडिटोरियम है जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, तो उसके लिए इतनी लंबी लाइन है, भीड़ बहुत है भाई यहाँ पे ना, मतलब मे बी शायद ये गलत टाइम है, मैं एकदम पीक टाइम पे आ रहा हूँ, 1 बज गया, तो 2 घंटे अपने पास अंदर घूमने के लिए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तो लगे अपने को अंदर आने में। अब ये सामने कुछ स्क्रीन है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ होगा, अब क्या होगा देखते हैं। ओके सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्क्रीन्स हैं, चारों तरफ स्क्रीन्स हैं, एंड ये एक स्पेस शटल टाइप का है, तो अब हम इसके अंदर है तो वो 3D एक्सपीरियंस है पूरा। ये देखो इस साइड से जैसे जैसे शटल घूम रहा है वैसे अंदर हमें सारे, और ये यहाँ पे ना स्क्रीन्स हैं बहुत ही गजब का, और स्पीकर्स लगे हुए हैं, गजब का है भाई, बहुत ही सही लग रहा है ना। ये हम पहुँच गए जी स्पेस में, ये तभी फ्यूचर म्यूजियम कहते हैं इसको, भाई फ्यूचर में पहुंच गए, बहुत हल्ला भी हो रहा है साथ में। ओके सो बेसिकली हम पहुंच के, चलो पहले यहाँ पे म्यूजिक आ रहा है ना, म्यूजिक खत्म हो जाए उसके बाद अब हम कहीं और ही निकल रहे हैं। ये देखो सामने बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे ये LED वगैरह लगा हुआ है, एंड उससे हम एग्जैक्टली दूसरे ऐसे दिखाया गया कि हम जमीन से उठ के ऊपर आ गए स्पेस पे। The third planet from the sun is our home planet Earth, and the last one is Neptune. ये ऐसा लग रहा है ना जैसे 3D है, but ये actually flat है. मतलब this is all image. ये flat screen पे ऐसा 3D वाला पूरा, you know, ये देखो, ये आपको लग रहा है सामने से आ रहा है.
कितना सही है। देखो ये 3D में ऐसा लग रहा है पूरा उभर गया है, इट इज डिफरेंट, एकदम डिफरेंट सा है। बहुत ही मजेदार यार, ये पूरा फ्लैट है। ये अपने सोलर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है, तो बीच में सन है और बाकी सारे ये प्लैनेट घूम रहे हैं। मतलब देखने में बहुत अच्छा है, मैकेनिकली बनाया हुआ है एंड एग्जैक्ट देखो अर्थ का स्पीड, बाकी का स्पीड, मतलब 8 प्लैनेट है, प्लूटो तो अभी है नहीं, नेपच्यून तक है, तो लास्ट वाला प्लैनेट है नेपच्यून। चलो भाई अब यहाँ से आगे चलते हैं। है इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब अगर आपको फ्यूचर और इन सब गिमिक चीज़ों में इंटरेस्ट है ना तो आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा भाई। और ये कुछ तो आ रहा है, अजीब सा ही कुछ आ रहा था। यहाँ पे अभी एक गेट है, इसके अंदर अपने को खड़ा रहने का, मतलब इसके बाहर खड़े रहने को बोला। अभी इसके अंदर ऑलरेडी ग्रुप किया हुआ है, कुछ तो हो रहा है अंदर, आवाज़ वाज तो आ रही है, 2 मिनट का कुछ है। तो अपन सबसे नंबर 1 पे खड़े हैं, सबसे अच्छा वाला पोजिशन लेके दिखाएंगे ना आपको। यहाँ पे अपन सबसे पहले आ गए, भाग के भाग लो, लिफ्ट विफ्ट का वेट कर रहे यार। देखिए देखो ये है 2071 में दुबई ऐसे होगा, एयर टैक्सी वगैरह होंगी, देख रहे हो, सही लग रहा है भाई, ज़बरदस्त चीज़ ना, मतलब ये पूरा एनिमेशन से डिज़ाइन किया हुआ है, बट देखने में कितना सही लग रहा है भाई। चलो पर्दा लग गया, अब अपन भाग लेते हैं इसके अंदर। ये अमेजॉन फॉरेस्ट का कुछ तो है भाई, भाई अपन जल्दी आ गए कि पहले आ गए बाद में आए, क्या है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं अकेला ही हूँ अभी। दिस इज द लाइब्रेरी, ये बेसिकली DNA लाइब्रेरी है। ये देखो कितना सही लग रहा है, हाँ बड़ी एक्चुअल DNA नहीं है बट ये ऐसे ही शोकेस किया हुआ है। दिस इज ऑल आर्ट वर्क, बेसिकली ये सारा चीज़ आर्ट वर्क है जो कि एक अच्छे फॉर्म में दिखाया गया है, रिफ्लेक्ट किया गया कि एग्जैक्टली DNA कैसा है, अलग अलग एनिमल्स के DNA, बर्ड्स के DNA। अच्छा वहाँ भी कोई था, मुझे लगा पता नहीं कौन ही है। तो ये पूरा लाइब्रेरी मतलब एक्चुअल DNA नहीं है बट ये ऐसी है, नॉर्मल है, गजब ही लग रहा है यार। मतलब अलग अलग डिफरेंट लाइटिंग्स एंड ये देखो ऑक्टोपस, पता नहीं क्या क्या। अब आपको समझ में आ गया कि कल मैं क्यों डेस्परेट था कि मेरे को कल ही शाम में, मतलब आते के साथ ही मेरे को फ़ोन चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ना अगर मेरे पास फ़ोन नहीं रहता ना तो मैं डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाता अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे पता है ना उस वाले फ़ोन में क्या कभी ISO बढ़ जाए, कभी ये बढ़ जाए। अब ये मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ बट इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे ना अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो अभी चैप्टर 2 मैंने फटाफट कम्प्लीट किया और आगे नीचे जा रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, जैसे ये लिखा हुआ है ना चैप्टर 3, तो अपना स्टेयर्स लेके अलग अलग फ्लोर से, एक बार लिफ्ट से ऊपर ले आते हैं फिर अलग अलग फ्लोर से नीचे ले आते हैं। अगर फुल लिफ्ट से नीचे जाना है तो लिफ्ट से चले जाओ, इधर भी देख ही लेते भाई। बाकी मैं तो ठीक है यार, मतलब थोड़ा बोर ही हो गया, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है यार ये। क्या भाई हाथ धोना है क्या यहाँ पे? नाइट्रोजन गैस है भाई, ये इतना खतरनाक है ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं नीचे है, मतलब ये मतलब इल्यूजन टाइप का नहीं लग रहा, अब इतना ऐसा लग रहा है कि आप नीचे आ रहे हो। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट लाइटिंग, इट इज़ ऑल अबाउट साउंड, तो ऐसा है। सामने एक मिरर लगा हुआ है इसीलिए दो दिख रहे हैं, ये मैं ही हूँ बाय द वे, ये सामने मिरर है। चलो अच्छा है।
यहाँ पे क्या है? कुछ तो है यार, ठीक है भाई, कुछ तो है, जो भी है। और अपन एक्चुअली बताओ तो मैं सच्ची में बोर हो गया यार, बहुत बड़ा है। I heard it is a beautiful place. I hope you're enjoying Dubai. We should meet and go to the mall together. What do you think about the future? Not enough to answer it. तो मिला जुला के ये था जी अपना एक्सपीरियंस, और यहाँ से अपन मार लेंगे एग्ज़िट। एग्ज़िट मारने के लिए अपने को इसी को टच करना है। यहीं से कुछ खा लेते हैं। ये ब्राउनी है, सिंगल ओरिजिन ब्राउनी, सम सैंडविचेस। आई जस्ट वांट टू चेक के कौन सा सैंडविच है, कुछ गलत ना खा ले। जी ये सैंडविच लिया आपने, हाँ, ये 35 दरम का है। 35 दरम कितना होता है समझ रहे हो? 800 रुपये। ये 800 रुपये का सैंडविच है, दैट्स इट, यही है। चलो खाते हैं भाई, भूख लगा है, भूख के सामने 800 रुपये हो या 8000 रुपये हो। मैं बस सच्ची बताऊँ, 800 रुपये वेस्ट, 800 रुपये पूरा वेस्ट भाई। ठंडा ब्रेड है और फुल टेस्ट नहीं है। 800 रुपये के 2 स्लाइसेस ब्रेड मिले, खा नहीं पाएंगे भाई। अपन तो बाहर आ गए, और सही बताए, ऑनेस्ट फीडबैक दे तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में, यू नो, फ्यूचरिस्टिक ऐसी मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्ट है ना, साईफाई कहते हैं ना, तब तो ये जगह आपके लिए है। आपको अगर मेरी तरह एडवेंचर में इंटरेस्ट है, गाड़ियों में इंटरेस्ट है, रोड्स में इंटरेस्ट है, तब तो ये जगह आपके लिए नहीं है यार। थोड़े टाइम के बाद ना आप बोर हो जाओगे। कोई ऐसा राइड नहीं, कुछ नहीं, मतलब मिला जुला के ठीक था, लेकिन ठीक था, मतलब ऐसा था। बाकी आपने को अभी बहुत तेज़ भूख लगी है, अब रोड कैसे क्रॉस करें ना, मेट्रो स्टेशन के अंदर से जाके क्रॉस करना पड़ेगा, अभी तो अपने पास टाइम है। तो चलो देखते हैं, कुछ खाने वाने के लिए मिल जाए तो ठीक है। यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं क्या रोड? पता नहीं यार, ऐसे चालान ना कट जाए ना मेरा। ये भी तो 800 रुपये का सैंडविच, बहुत महंगा यार, और वो भी इतना बेकार। प्रॉब्लम ये है कि साला खा भी नहीं पाया मैं। एक और चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, ये इसका जो टिकट का प्राइस है वो 145 दरम्स है, और दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपये के आसपास। तो देख लो, मतलब हिसाब किताब लगा लो अपना, बाकी तो वीडियो भी देख ही लिया होगा आपने। चलो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। आई होप ये फ्यूचर म्यूजियम वाला ब्लॉग आपको समझ में आया हो, पता चला हो, थोड़ा अच्छा लगा हो। जो भी था, मैंने बहुत कोशिश की कि जितना भी आपको कैप्चर करके दिखा ली, मतलब एग्जैक्टली अगर आपको यहाँ नहीं आना है तो वीडियो देख के समझ जाओ कि एग्जैक्टली क्या है। और आपको अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप यहाँ आके खुद से देखना पसंद करोगे ही। तो अभी भैया का वेट करते हैं, 15 मिनट और लगेंगे उनको आने में, और उसके बाद यहाँ से पता नहीं कहाँ जाएंगे। मतलब मैंने ना कट नहीं किया कुछ भी, जो भी किया ना एकदम रॉ एडिट करके डाला, ताकि ना आपको भी वैसा ही रॉ एक्सपीरियंस मिले जैसा मुझे मिल रहा था। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो थम्स अप, चैनल पे लगे तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन